हाँ तो भरतराज जी ये हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, श्री भगत सिंह गौशाला के उपाध्यक्ष साहब जी। सर तो आप सर बताइए अपना विशेष अनुभव बताइए गौशाला के लिए, गायों के लिए, गायों का कोई विशेष अनुभव हो आपको? गायों का विशेष अनुभव यही है कि हमारी जितनी होगी उतना हम देते हैं गौशाला के अंदर। क्या होगी सर, क्या होगी बता सकते हैं आप? गौ माता की सेवा। अच्छा अच्छा, और तो क्या होगी? और सर इसमें विशेष अनुभव क्या है आपका? विशेष अनुभव यही है कि हमें माता की सेवा करनी चाहिए। बस हंसा लियो, विशेष अनुभव हमारा यही है कि हमें हंसाते रहो। देखो देखो हंसी, इनकी हंसी देख लो आप, देख लो ये देखो हंसा लियो। नंदकिशोर जी नमस्कार। नमस्ते। तो सर हम आपसे दो मिनट बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नंदकिशोर जी आप गौशाला से जुड़े हुए हैं, श्री भगत सिंह गौशाला से, आप काफ़ी समय से गौ सेवा कर रहे हैं जी जी। और हम देख भी पा रहे हैं आपको बहुत दिनों से, वीडियो में भी आप चर्चा के अवश्य बने हुए हो, तो मतलब आपका कोई विशेष अनुभव है गायों के प्रति? गायों के प्रति तो हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं अब तक तो, लेकिन अब मतलब गायों के प्रति हम इतना वो हो चुके हैं कि गायों के प्रति हम क्या करते हो आप? हाँ भरतराज जी आप काफ़ी समय से गौ सेवा से जुड़े हो और श्री भगत सिंह गौशाला के आप आखिरकार उपाध्यक्ष हो, तो आपका विशेष अनुभव बता सकते हैं गौ माता के प्रति, गौशाला के प्रति? हमारा गौशाला के प्रति यही विशेष अनुभव है कि जितने हम गौ माता, एक मिनट रुको। हाँ तो भरतराज जी आप बताइए, शुरू कीजिए आप अपना विशेष अनुभव बताइए। हाँ तो मेरा विशेष अनुभव यही रहेगा कि मेरे से मतलब जहाँ भी गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है, हमारे पास कहीं भी कॉल आ जाता है, जैसे देवली कहीं भी टोंजले के अंदर गौ सेवा जाते हैं। अगर हम अभी हमारी गौशाला के अंदर साधन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम बोलते रहिए आप, कहीं से भी साधन की व्यवस्था करके हम गौ माता को गौशाला लेकर आ जाते हैं, फिर वहाँ उसको इलाज जितना भी इलाज हमारे होता है उतना हम करते हैं, और नहीं कुछ ज़्यादा समस्या आती है तो हम हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं तो वो आ जाते हैं फ़ोन करने के बाद तुरंत प्रभाव से, और वह हमें बहुत सहायता भी देते हैं डॉक्टर साहब, उनको उनके लिए भी दो सौ मिलेगा, जैसे बहुत सिद्ध दवाइयाँ बटरा उनको दीजिए आप, घनश्याम जी को। घनश्याम जी आप हमारे साथ में काफ़ी समय से जुड़े हुए हो और गौशाला के प्रति आपका क्या विशेष अनुभव है? नंदकिशोर जी ऐसा मत हो, ऐसे दांत मत काटो। और नंदकिशोर जी आप मतलब तो नंदकिशोर जी आप आपका विशेष अनुभव बता सकते हैं सर? अमेजिंग। तो क्या पूछ रहे थे आप? हाँ तो नंदकिशोर जी आप गौशाला से जुड़े हो, काफ़ी समय से गौरक्षा दल से भी जुड़े हो, आप बहुत सी गौ माताओं का इलाज कर चुके हो, तो आपका गौशाला के प्रति, गौ माता के प्रति क्या विशेष अनुभव बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताइए। आपका विशेष अनुभव यही है, इनका विशेष अनुभव यही है, यही है विशेष अनुभव। इनकी ऐसी को देखिए आप, मुझे गौ माता से विशेष थे, इसका मतलब है विशेष अनुभव। तो कृष्णकांत अध्यक्ष बोल रहे थे कि आपका क्या अनुभव है, तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। मेरा अनुभव कम से कम 2 साल हो गए मेरे को काम करते हुए गौशाला में, तो क्या जितना हो सका उतना मैंने सेवा की है गौ माताओं की, तो सेवा करते करते इतना आगे पहुँच गए हैं। दो माताओं की काफ़ी सेवा, नहीं बहुत सारी सेवा की है। अब तो हम कितना बताएं आपको, हमें शर्म आने लग गई क्योंकि आगे पहुँच गए, कह भी नहीं सकते बार आप तो हो सकते नहीं है कि कितना आगे पहुँच गए।
कैसे ये नाम ऊंचा नहीं दबाएंगे नहीं ऊंचा ही करेंगे नाम मेरे को लग रहा है इसका दबाएंगे नहीं बिल्कुल नाम बिल्कुल और कुछ हमारे साथ में जुट चुके हैं घनश्याम जी ये हमारे बचपन से हम लंगोटी यार भी बोल सकते हैं हम इनको अच्छा और कोई घनश्याम जी आपसे हमारे अनुभव हमारे साथ में भी गो सेवा का कार्य भी कर रहे हैं तो घनश्याम जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कुछ यही कहना चाहोगे तो थोड़ा जोर सही से काम करो और भी कुछ घनश्याम जी ऐसे हैं शर्मा जाते हैं बहुत क्या बताऊं कि मतलब एक खुराक दबाएंगे मिराज एक खुराक से इन्होंने आर्मी की 1600 मीटर की रेस मारी है एक्सीलेंट मारी है ताले एक खुराक से ताले और दूसरी खुराक ली इन्होंने करीब आज हम 20 बेल्ट लेके गए थे 25 बांधे इन्होंने हाईवे पर रेडियम आजाद गोमाताओं को रेडियम के बेल्ट लेके गए थे और उन रेडियम बेल्टों को 20 के 20 बेल्टों को ऐसे मतलब खुराक दबाकर इस तरीके से बांधी इन्होंने कान पकड़ते ऐसे गो माता छूट नहीं जा पाती थी कान के कभी कभार थे खुद अपने कान क्योंकि फाकी में जोश रहता था इतना भाई साहब की मुच्छी दिखाते हैं पास में ये कैमरा मुच्छी दिखाई मुच्छी भगत सिंह की ये तो पहचान होती है सही करवा देना आप सर मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन कह देता हूँ मुँह तो आपकी आपको बता दूं सुभाष चंद्र बोस के बिल्कुल भी ना तो मूंछ थी बिल्कुल भगत सिंह की जैसे मूंछें लगे मैं भी वही यही बोलूं।